हाथों में लग गई है शगुन की मेहंदी, शलभ की दुल्हनिया बनने के लिए तैयार हो गई है काम्या पंजाबी। मेहंदी में लिखा है पिया जी का नाम, काम्या को मिला है लव ऑफ लाइफ शलभ का साथ। सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की प्रीतो उर्फ सौम्या की सासू माँ यानी कि काम्या पंजाबी बन रही है दुल्हनिया। 10 फरवरी को काम्या और शलभ की हो रही है शादी, लेकिन इससे एक रात पहले यानी कि 9 फरवरी को काम्या को लगाई गई शगना दी मेहंदी। वैलेंटाइन्स वीक चल रहा है, फिजा में प्यार की खुशबू घुली है, मौसम गुलाबी गुलाबी सा हो गया है और इस गुलाबी मौसम की रंगत को काम्या और शलभ अपने प्यार के रंग से और भी ज्यादा निखार रहे हैं। काम्या की मेहंदी सेरेमनी में यूमी और टीवी भी पहुंचा। आफ्टर ऑल अपनी ऑडियंस को टीवी की सिंदूरा की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को हमने दिखाना जो था। जहां अक्सर मेहंदी में दूल्हा और दुल्हन ग्रीन कलर के आउटफिट्स पहनते हैं, वही काम्या और शलभ ने किया था कुछ डिफरेंट। ग्रीन को डिच करके ब्लू कलर के आउटफिट्स को शलभ और काम्या ने चूज किया था। वन शोल्डर शॉर्ट ब्लाउज को काम्या ने लहंगे के साथ टीम अप किया और काम्या की खूबसूरती में चार चांद लगाए डायमंड के सेट ने। वैसे अपनी शादी के हर फंक्शन में काम्या लहंगा ही पहनना चाहती है, जिसके पीछे है एक खास वजह। मैं चाहती थी कि सारे लहंगे पहनूं मैं, क्योंकि साड़ीज़ मैं पहनती रहती हूँ, हर साल गणपति में साड़ीज़ पहनती हूँ। मैं चाहती थी कि मैं फील लूं अपनी शादी का और मैं सारे लहंगे पहनूं, लेकिन हर लहंगा अपने आप से अलग होना चाहिए। तो क्योंकि ये मेहंदी है तो मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा हो जिसमें दुपट्टा ना हो और कम्फर्टेबल हो और एट द सेम टाइम बहुत बढ़िया भी लगे। तो ये मैंने सोचा था और मुझे कुछ चमकीला चाहिए था, तो और मिरर वर्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यही रहा मिरर वर्क। और कुछ ऑब्वियसली अनुराधा का भी दिमाग है, मैंने सिर्फ उससे बताया था कि मुझे क्या चाहिए, तो ये अनु का कमाल है। मेहंदी का फंक्शन है और मेहंदी की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। 6 घंटे की मेहनत से काम्या ने अपने हाथों को मेहंदी से भरवाया है। हल्दी हुई है और अब मेहंदी हुई है और बहुत पेशेंस चाहिए मेहंदी लगाने के लिए। बाप रे, 2 बजे से मैं बैठी थी, एटलीस्ट आई थिंक 6 घंटे लगे हैं। तो मुझे जब 6 घंटे लगे मेहंदी लगाने में, तो ये समझ में आया कि हाँ, आज मेरी मेहंदी है। चलिए आपको भी इस मेहंदी के दीदार करवाते हैं, जिसे पूरी पेशेंस के साथ काम्या ने 6 घंटे में लगवाया है। साथ ही उन्होंने इसमें अपने पिया जी का नाम भी छिपाया है। अपनी मेहंदी की हर एक डिटेल काम्या ने हमारे साथ शेयर की। काफ़ी कुछ लिखा है मैंने, यहाँ पे काशा लिखा हुआ है, यहाँ पे SNK लिखा हुआ है, यहाँ गणपति का मंत्र है और यहाँ पे गणपति का फेस भी है। तो और कई इसमें कहीं शलभ का नाम भी है, जो मुझे भी नहीं मिल रहा सीरियसली। तो थोड़ी डिटेलिंग मैंने की थी अपने फंक्शन के पहले। मैंने मेहंदी वाली का बहुत सर खाया था कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो वो कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग है इसमें। एंड देखते हैं हम कलर कैसे आता है। भाई काम्या तो अपनी शादी के लिए है वेरी वेरी एक्साइटेड। दूल्हे मियां से भी जान लेते हैं उन्हें अपनी दुल्हनिया की ये मेहंदी कैसी लगी। मैं यही कह रहा था, बहुत बढ़िया किया है जिसने भी काम किया है। एंड यू नो जो डिटेलिंग की है, बहुत बढ़िया काम है। और अब मेरा काम है इसमें शलभ ढूंढना, तो मुझे पता है अब इसमें सारे शलभ के अक्षर ढूंढने हैं मेरे को। मस्ट बी अ डिफिकल्ट टास्क। It will be. ये बहुत कमाल तरीके से लिखा है, अगर आप लोग भी ढूंढे आपको भी नहीं मिलेगा, बहुत कमाल तरीके से लिखा है। मेहंदी से पहले काम्या पर हल्दी का रंग भी चढ़ाया गया। सुबह हल्दी की रस्म निभाई गई, जिस दौरान काम्या काफी इमोशनल भी हो गई थी, लेकिन अपनी शादी से जुड़े हर फंक्शन को काम्या जमकर एंजॉय कर रही है। मैं एक्चुअली सुबह बहुत इमोशनल हो गई थी, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो मुझे हल्दी लगाते लगाते रो पड़ी, तो मुझे भी रुला दिया। एंड मुझे सारे रस्म ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं,
और मैंने सलभ को पहले ही कहा था कि मैं शादी चाहे बड़ी करूं या छोटी करूं, मैं रस्म जो भी है वो हर एक करना चाहती हूं, तो मुझे ये सारे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब हमने एंगेजमेंट की तभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हल्दी भी मुझे बहुत मज़ा आया। सिर्फ मेरी हल्दी नहीं थी, जितने लोगों ने मुझे हल्दी लगाई मैंने सबको हल्दी लगाई है बदले में। सो इट वॉज टू मच ऑफ फन एंड अब मेरी मेहंदी। मेहंदी और हल्दी से एक दिन पहले गुरुद्वारे में सगाई की रस्म भी निभाई गई थी। काम्या को शलभ ने दोबारा शादी के लिए प्रपोज किया था और अपने इस मेमोरेबल पल को भी काम्या ने हमारे साथ शेयर किया। 10 फरवरी को फाइनली काम्या शलभ की दुल्हनिया बन रही हैं और हम भी यही दुआ करेंगे कि काम्या और शलभ की ये नई जिंदगी प्यार की बहार से हमेशा गुलजार रहे। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट E24।